जनगण मन नमो। दोस्तों, सीमा पर हमारा बीएसएफ जवानों ने हमको रक्षा करना है। विदेशी दुश्मनों से हमको रक्षा करना है हमारा मिलिट्री जवानों ने, और देश के अंदर हमको रक्षा करना है पुलिस भाइयों ने। अब सवाल है, हमारा पुलिस भाइयों ने हमको सही में रक्षा करना है क्या? पुलिस भाइयों, आज का वीडियो आपके लिए है। पहले तो मैं एक दो नाम शरण करना चाहता हूं जो पुलिस ऑफिसर देश के लिए, ईमानदारी के लिए अपना नाम सर पे रखा है। मैं उल्लेख करना चाहता हूं आईपीएस नजरुल इस्लाम को, जो ईमानदारी के लिए सदा ही स्मरणीय होगा। वो जो पुलिस ऑफिसर विजय सलास्कर, जिसका बहादुरी हमको गर्व का कारण है। अशोक कामठे, ऐसे सारी कितने सारी पुलिस ऑफिसर है जिसको हम शरण करते हैं। बट आप सीन थोड़ा अलग है। आप जब कोई पुलिस स्टेशन पर जाओ, घुस के बिना काम ही नहीं चलता। थोड़ा सा मोबाइल लॉस्ट हो गया तो जीडी करना है तो हाथ पिलाते हो, दो चार पैसा दे दो। अरे हम देखा नहीं, रोड पर हाथ मांगते हो, ट्रक से, दूसरा व्हीकल से, दे दो कुछ दे दो। ये क्या हो रहा है पुलिस भाई? ऐसा क्यों कर रहा है? ऐसा घूसखोरी का पैसा आप क्या आपका बच्चा को खिलाते हो, आपको बेबी को खिलाते हो? शर्म आना चाहिए। आप रक्षक है ये समाज का, आपका ईमानदारी ज्यादा जरूरत है। आप क्या करते हो? जब कोई नेता आता है, उसके पीछे कुत्ता जैसा आपका पूछ नड़ाते हो। ये क्या है? पूछ हिलाना अपना आपका काम है क्या? अरे आधा से ज्यादा पुलिस फोर्स तो लगा होता है वो सब नेता को पीछे, मंत्री का पीछे सर्विस देने के। हम आम आदमी को सर्विस कौन देगा? सुनो, एक आम आदमी आप पुलिस स्टेशन पे जाने का भरसा ज्यादा नहीं करते। हाँ, ये सही है। आप देखो क्या ना क्या हो रहा है। आपका हिम्मत नहीं हुआ जो एमपी घर घर लड़का घुसाने का बात कहा था उसको टिकी पकड़ने का, जो एक नेता बोला था बम मार दो आपका पर, उसका वो टिकी आपने अभी तक पकड़ नहीं सका। कहा हिम्मत है? मुझे मालूम है थोड़ा बहुत जो सच्चा, थोड़ा बहुत जो ईमानदार ऑफिसर है उसको दुख जरूर हुआ, बट काम कुछ नहीं हुआ। आप अपना बैकबोन, आपका मेरुदंड सीधा कर दो। आप लड़ो या स्ट्रेट योर बैकबोन। ये समाज आपको चाहता है, अच्छा काम करना देखना चाहता है। अरे ये तो सोचो, आपका जो सैलरी मिलते हैं वो आम आदमी का टैक्स से आता है, कोई नेता का पॉकेट से नहीं आता। तो फिर क्यों उसका पीछे अपना पूछ हिलाते हो? और उस नेता का पैसा भी हमारा पैसा से जाता है, उसके पीछे क्यों हिलाना है? सर्विस दे तो आम आदमी के दिल दे दो। देखो कितना गर्व महसूस होगा। ये सोचो, वो जो के प्रसाद बाबू एक ऑफिसर था वो क्या किया था। आप सोचो, धर्मेंद्र सेन का सोचो, किरण बेदी को सोचो, क्या दृष्टांत उसने दिखाया आपको? उसको देखो, नरेंद्र कुमार को देखो, क्या
आप देखो शिव दीप लांडे के देखो, एक एक ऑफिसर जिसको नाम सारा भारतवर्ष में आवे घूमता है, ऐसा होना चाहिए। कामते के देखो अशोक कामते, ओ हेमंत कड़कड़े, ये जो ऑफिसर है ना, ये गर्व में हमारा सेना ऊंचा हो जाता है। और जो घुसखोरी ऑफिसर है, जो पीछ पूछ हिलाना हिलाने वाला कुत्ता जैसा ऑफिसर है, उसको लिए हमारा शर्म से सर झुक जाता है। आप पुलिस भाई दोस्त, आप अपना ईमानदारी से काम करो यार। हाँ दुख आएगा, कष्ट आएगा, थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, इधर उधर ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है, नजरुल इस्लाम को हुआ था, बहुत हुआ था, फिर भी उसका मृदंड सीधा था, काम किया गया एक के बाद एक, कोई कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। वो उसका बीवी उसको सैल्यूट करता है, वो ऐसा एक आदर्श आदर्श देखा गया, उसका बेटे बच्चों ने उसको सैल्यूट करता है, अभी भी और देशवासी उसको सैल्यूट करता है। अरे भाई थोड़ा कमाई कम होगा तो क्या होगा यार, घुसखोरी से चलना चाहिए, चलाना चाहिए क्या बोला आपका फैमिली? हाँ ऐसा चलाना चाहिए। सिर्फ ये आम आदमी को देखो, ये देशवासी को देखो, देखो जो आपके आपसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है। एक अच्छा प्रशासन होना चाहिए, एक अच्छा समाज होना चाहिए, समाज से ये सब दुश्मनी ये सब निभाना चाहिए। आप ऐसा ही करो दोस्त। जनगण मन नमो।